ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। महामहिम श्री विश्वभूषण हरिचंदन जी, माननीय राज्यपाल छत्तीसगढ़ एवं कुलाधिपति हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, माननीय श्री भूपेश बघेल जी, माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन, इस सभा के मुख्य अतिथि, सभा में मंच पर उपस्थित सभी महानुभावों, इस सभागार में उपस्थित विशिष्ट अतिथिगण, सभी तेजस्वी छात्र छात्राएं, अन्य उपस्थित माताओं बहनों भाइयों एवं प्यारे युवा मित्रों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरे लिए हर्ष की बात है कि यहां आज आप सबके बीच उपस्थित हूं। राजकोट से बंबई के फंक्शन को करके कल रात को मैं यहां आया हूं और कल सुबह वापस राजकोट चला जाऊंगा। ये छत्तीसगढ़ के प्रति मेरा प्रेम इसलिए है क्योंकि मैं छत्तीसगढ़ का ही हूं। स्वामी आत्मानंद जी के पास मेरा संन्यास जीवन तैयार हुआ और यहीं इंजीनियरिंग कॉलेज मैंने अध्ययन किया, तो इसलिए मेरे लिए मानो होम कमिंग है। मैं हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग के माननीय कुलाधिपति और माननीय कुलपति के प्रति धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे इस विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में दीक्षांत भाषण हेतु आमंत्रित किया। यह बहुत सुखद संयोग है कि आज हेमचंद यादव विश्वविद्यालय का स्थापना दिवस भी है। बहुत बड़ी बात है, स्थापना दिवस, इट्स ए गुड कोइंसिडेंस। 2015 में पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गस्थ हेमचंद यादव के नाम पर स्थापित होने के पश्चात विश्वविद्यालय ने जो उन्नति की है उसके बारे में जानकर मैं अत्यंत हर्षित हूँ। विश्वविद्यालय का ध्येय छात्र केंद्रित संस्था के रूप में उच्च नैतिक मूल्यों वाली गुणवत्ता परक शिक्षा देना है जो छात्रों को समाज के अच्छे नागरिक बना सके। अपनी शैशवावस्था में होने के बावजूद विश्वविद्यालय ने 8 साल के कार्यकाल में अकादमिक शिक्षण और शोध के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां प्राप्त की है। शैक्षणिकतर गतिविधियों जैसे क्रीड़ा, राष्ट्रीय सेवा योजना तथा रेड रिबन्स क्लब तथा सांस्कृतिक गतिविधियों के द्वारा भी विश्वविद्यालय राष्ट्रीय मानचित्र में अपना स्थान बना रहा है। आज के इस अवसर पर मैं माननीय कुलाधिपति, माननीय कुलपति तथा पूरे विश्वविद्यालय परिवार को हार्दिक बधाई प्रेषित करता हूं, हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशन। मैं आज हेमचंद यादव विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में विद्या वाचस्पति, स्नातकोत्तर तथा स्नातक की उपाधि प्राप्त करने वाले विभिन्न छात्रा छात्राओं को उनकी उपलब्धियां पर बधाई देता हूं, हार्दिक बधाई, हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशन। यह जानकर प्रसन्नता हुई कि विश्वविद्यालय ने हमेशा समाज के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में एक महती भूमिका का निर्वहन किया है। ज्ञान के विस्तार के माध्यम से समाज को सशक्त और परिष्कृत करने का काम किया है। आज हमारा देश और समाज बहुत तरक्की कर रहा है, इसमें कोई संशय नहीं है। चाहे वह तकनीकी विकास हो, कृत्रिम बुद्धिमत्ता हो, 5G नेटवर्क हो या मंगल पर जाना हो, परंतु दुर्भाग्य की बात है इसके साथ चारित्रिक और नैतिक मूल्यों का ह्रास होता जा रहा है। इसलिए आज के युग की सबसे बड़ी आवश्यकता मूल्य शिक्षा है, वह मूल्य शिक्षा जो अमूल्य है। हमें मूल्य शिक्षा चाहिए आज के प्रसंग में, आज की परिस्थितियों में मूल्य शिक्षा सबसे ज्यादा अमूल्य है, ऐसा मैं मानता हूं। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे चरित्र का विकास हो, बुद्धि का विकास हो, मानसिक बल बढ़े और व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा हो सके। नैतिक शिक्षा से जीवन में अनुशासन आता है जिससे व्यक्ति के विचारों में सकारात्मक परिवर्तन आता है, समाज में हिंसा में कमी होती है,
लोगों के जीवन में संस्कार, विनम्रता, दया और समर्पण के भाव जागृत होते हैं तथा व्यक्ति, जीव जंतु, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन तथा संरक्षण सामाजिक कार्यों में सक्रिय सहभागिता का निर्वहन करता है। ऐसे जागरूक नागरिक केवल एक आध्यात्मिक रूप से सुदृढ़ राष्ट्र से ही हो सकते हैं। राष्ट्र निर्माण कैसे किया जा सकता है? डॉक्टर राधाकृष्णन ने बड़े ही सुंदर एवं स्पष्ट शब्दों में कहा है, आप केवल ईंटों से राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकते, आपको युवकों के मन मस्तिष्क को सुदृढ़ करना होगा, केवल तभी राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है कि राष्ट्र निर्माण या राष्ट्र का पुनर्निर्माण अवश्य ही नागरिकों के चरित्र निर्माण से आरंभ होना चाहिए। हम संसद भवन के किसी भी कानून से राष्ट्रीय परिदृश्य को नहीं बदल सकते, अतः राष्ट्र का पुनर्निर्माण तब तक नहीं हो सकता जब तक नागरिकों का चरित्र निर्माण नहीं हो जाता और भ्रष्टाचार आदि जितनी समस्याएं हैं ये समाप्त नहीं हो जाती। स्वामी विवेकानंद जी कहा था, ओनली ए लार्ज नंबर ऑफ इनलाइटन सिटीजन्स कैन मेक ए नेशन ग्रेट। जब हमारे देश के अधिकांश लोग प्रबुद्ध नागरिक बनेंगे तभी हमारा देश महान होगा, उसके पहले महान नहीं हो सकता। इसलिए आज के युग की सबसे बड़ी आवश्यकता मूल्य शिक्षा है। जब हम शिक्षा की बात करते हैं इसका अर्थ वस्तुगत ज्ञान होता है जो जीवन के हर क्षेत्र में उपयोगी है, परंतु जीवन में केवल पदार्थ महत्वपूर्ण नहीं है, शिक्षा में जीवन मूल्यों तथा नैतिकता का समावेश भी आवश्यक है। नैतिकता मनुष्यता का वह गुण है जो उसे देवत्व के समीप ले जाता है। अच्छे चरित्र से ही मनुष्य की अस्मिता कायम है। एक नटखट बच्चा था, बहुत शैतान, बहुत नटखट था, चुपचाप बैठता नहीं था। उसके पिता ने उसको बुलाया, देख आज मुझको बहुत काम है, पास के कमरे में जा, जब तक मैं तुझे कार्य समाप्त देता नहीं हूं, जब समाप्त नहीं होता तब तक यहां वापस मत आना, समझा? बच्चे ने कहा ठीक है। अब पिताजी ने सोचा क्या कार्य दिया जाए ताकि सारे दिन वो कार्य में मशगूल रहे और मैं अपना कार्य कर सकूं। उसको मालूम था पिताजी को इसके भूगोल में बहुत कम नंबर मिलते हैं, तो उसने पिताजी ने भारत का नक्शा लिया, छोटे छोटे टुकड़े कर डाले, बोले जा पूरे भारत को ठीक करके आ। उसको मालूम था कि कहाँ काश्मीर, कहाँ कन्याकुमारी, कहाँ छत्तीसगढ़, कहाँ गुजरात, ये सब ठीक करते करते सारा दिन निकल जाएगा। पर 10 मिनट में लड़का वापस आ गया, ए तुझे कहा था ना पूरा नक्शा ठीक करके लाना, ठीक करके लाया हूं, देखा परफेक्ट नक्शा, काश्मीर, कन्याकुमारी, गुजरात, छत्तीसगढ़, रायपुर, दुर्ग, भिलाई, सब अपने अपने जगह पर है। तो कैसे किया? बोले पिताजी मैं तो गया वहां पर और करने लग गया, पर मुझे लगा कि मुझसे नहीं होगा क्योंकि इतने छोटे से टुकड़े, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने टुकड़ों के साथ खेलना प्रारंभ किया, खेलते खेलते देखा पीछे में मनुष्य की छवि है, मैंने मनुष्य के हाथ पैर सिर करके उनको बड़ा ठीक कर दिया, मनुष्य को ठीक करके उल्टा किया तो सारा देश अपने आप ठीक हो गया। यही स्वामी विवेकानंद का संदेश है, जब हमारे देश के मनुष्य का चरित्र निर्माण होगा तभी राष्ट्र का पुनर्निर्माण होगा। जब हमारे देश के विद्यार्थी, हमारे देश के अध्यापक, हमारे देश के आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स, हमारे देश के बिजनेसमैन, ये सभी चरित्रवान बनेंगे तभी हमारा देश, हमारा राष्ट्र आगे बढ़ सकता है, राष्ट्र का पुनर्निर्माण हो सकता है। इसलिए स्वामी विवेकानंद ने बार बार कहा, व्हाट वी वांट इज मैन मेकिंग एजुकेशन, कैरेक्टर बिल्डिंग एजुकेशन, मनुष्य निर्माणकारी शिक्षा चाहिए, चरित्र निर्माण वाली शिक्षा चाहिए। क्यों मनुष्य निर्माणकारी कहते हैं? क्योंकि क्या मनुष्य निर्माण के हम मनुष्य नहीं है? पर स्वामी विवेकानंद कैसा मनुष्य चाहते थे? भर्तृहरि नाम के बहुत बड़े विद्वान हो गए, उन्होंने कहा था समाज में चार प्रकार के मनुष्य होते हैं। पहले का नाम उन्होंने दिया सत्पुरुष, एक ऐसे होते हैं अपना स्वार्थ छोड़कर के दूसरों की निस्वार्थ सेवा करते हैं। दूसरा का नाम उन्होंने दिया सामान्य मनुष्य, ये कैसे रहते हैं? पहले खुद का स्वार्थ देखते हैं, फिर दूसरों का कल्याण करते हैं, दूसरों की सेवा करते हैं। तीसरा उनका नाम दिया मानव राक्षसाह, दिखने में मनुष्य है पर राक्षस का स्वभाव है, मानव राक्षसाह। ये कैसे होते हैं? अपने छोटे से स्वार्थ के लिए दूसरों का कितना भी नुकसान करने को तैयार हो जाए, इसका नाम मानव राक्षसाह। कहां मिलते हैं? आपके पड़ोस में।
यहाँ नहीं, वहाँ पर अपने घर के पास। सब जगह ये मानव राक्षसा बढ़ गए हैं, अपने छोटे से स्वार्थ के लिए दूसरों का नुकसान करना। और भर्तृहरि कहते हैं चौथे प्रकार के मनुष्य हैं, पर मैंने सिर बहुत खुजलाया, उसका नाम नहीं मिलता, ते के न जानी में है, तो नाम आप दे देना, मैं काम बता देता हूँ। तीसरे प्रकार के ऐसे होते हैं, खुद के छोटे से स्वार्थ के लिए दूसरों का कितना भी नुकसान करने को तैयार हो जाते हैं, देश का नुकसान करने को तैयार होते हैं, समाज का नुकसान करने को तैयार होते हैं, पर ये तो ऐसे होते हैं खुद का कोई फायदा ही नहीं होता, दूसरों के नुकसान में जिनको आनंद आता है। किसी के घर में आग लग गई, बहुत मजा आ गया, वाह वाह बहुत, अरे पर तुमको कुछ फायदा मिला नहीं, उसके घर में आग लगी, बड़ा मजा आ गया। कोई परीक्षा में लड़का फेल हो गया, विद्यार्थी, बहुत मजा आ गया, तुमको एक नंबर ज्यादा मिला नहीं, वो फेल हो गया, मुझे बहुत आनंद आया। ये है चौथे प्रकार के, ते के न जानी में है। और अभी मैंने लेटेस्ट रिसर्च किए पांचवें प्रकार के, शायद भर्तृहरि के समय में नहीं थे, ये पांचवें प्रकार का नाम मैं नहीं दे सकता, ते के न जानी में है, काम बता देता हूं। पांचवें प्रकार के ऐसे होते हैं कि दूसरों के नुकसान में इतना अधिक आनंद आता है कि खुद का नुकसान करके दूसरों को नुकसान करते हैं। ये देखा ना, बैठ गए एरोप्लेन में, जाकर के वर्ल्ड टावर से टकराए, भले मैं मर गया, 3,500 को मार डाला, क्या मजा आ गया। ये है पांचवें प्रकार के। हमारे समाज में अभी दूसरे तीसरे चौथे पांचवें प्रकार के मनुष्य ज्यादा है, तीसरे चौथे पांचवें प्रकार के ज्यादा है, दूसरे बहुत कम है, और पहले सत्पुरुष बहुत ही कम है। इसलिए स्वामी विवेकानंद ने कहा, हमें कैसी शिक्षा चाहिए? मनुष्य निर्माणकारी शिक्षा, सच्चे सच्चरित मनुष्य का निर्माण होगा, देश का पुनर्निर्माण होगा। स्वामी विवेकानंद का स्वप्न था कि चरित्र निर्माण के द्वारा राष्ट्र निर्माण, और राष्ट्र निर्माण के द्वारा विश्व निर्माण, और भारत जगत गुरु बनेगा। क्यों, कैसे बनेगा? इसी प्रकार से राष्ट्र निर्माण के द्वारा वो जगत गुरु बनेगा। यह स्वामी विवेकानंद का स्वप्न, यदि हमें सच करना है तो हमें यह चरित्र निर्माण वाली शिक्षा को महत्व देना होगा अधिक से अधिक। मुझे खुशी हुई जानकर कि हेमचंद यादव विश्वविद्यालय ने नैतिक मूल्यों के महत्व को समझते हुए एक माह के ऑनलाइन प्रमाण पत्र पाठ्यक्रमों के रूप में एक सार्थक पहल की है। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत हार्दिक मैं बधाई देता हूं इस कार्य के लिए। स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, संत कबीर आदि पर केंद्रित यह पाठ्यक्रम निश्चित रूप से विद्यार्थियों के मन में देश प्रेम, संस्कार तथा सदाचार की सुषुप्त भावनाओं को जगाकर उनके अंदर एक नई ऊर्जा, वो जोश की अलग प्रस्फुटित करेंगे, और उन्हें अच्छा नागरिक बनाने में सहायता होंगे, बनने में सहायक होंगे। अब विद्यार्थियों से मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जीवन में सुख, शांति और सफलता, तीन चीज यदि चाहिए, सुख, शांति और सफलता यदि चाहिए, तो कैरियर डेवलपमेंट करना पड़ेगा, और साथ साथ में कैरेक्टर डेवलपमेंट भी करना पड़ेगा, दोनों साथ साथ करने पड़ेगा। कैरियर डेवलपमेंट केवल पैकेज के द्वारा आपके जीवन में सुख शांति नहीं आएगी, ये याद रखना। कई लोग ऐसे हैं जिनके अच्छा अच्छा पैकेज है, सुसाइड कर रहे हैं, तो केवल पैकेज नहीं, पैकेज बहुत आवश्यक है, कैरियर डेवलपमेंट बहुत आवश्यक है। और आप लोग का तो बहुत, जितने जितने लोग यहाँ बैठे हैं उनका तो बहुत ही गोल्डन उनका फ्यूचर है, देयर इज नो डाउट, उनका स्वर्णिम भविष्य है, क्योंकि आप लोग गोल्ड मेडलिस्ट हैं। परंतु केवल कैरियर डेवलपमेंट नहीं, साथ साथ में कैरेक्टर डेवलपमेंट करना होगा। जो विद्यार्थी अपने जीवन में पूर्ण सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें पूर्ण संपूर्ण व्यक्तित्व विकास करना होगा, टोटल पर्सनालिटी डेवलपमेंट। ये कैसे होगा? शारीरिक विकास, मानसिक विकास, बौद्धिक विकास, नैतिक विकास एवं आध्यात्मिक विकास, इसके लिए पंचशील की आवश्यकता है, पांच बातों की आवश्यकता है। युवा वर्ग के लिए पंचशील मैं कहता हूं, आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता, आत्मसंयम, आत्मत्याग एवं आत्मज्ञान। उन्हें अपने जीवन में ये पांच का यदि अपने जीवन में आएंगे तो सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास होगा। और क्या करना पड़ेगा? IQ प्लस EQ प्लस SQ इज इक्वल टू TPD, टोटल पर्सनालिटी डेवलपमेंट। इस इक्वेशन को याद रखना है, IQ इंटेलिजेंस कोशंट, EQ इमोशनल कोशंट, SQ स्पिरिचुअल कोशंट। लेटेस्ट डिस्कवरी ऑफ द मॉडर्न साइंस इज SQ। डाना जोहर ने पुस्तक लिखी, कहा है, पुस्तक का नाम है SQ स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, जहां उन्होंने कहा न्यूरोलॉजिकली, फिजियोलॉजिकली, बायोलॉजिकली, साइकोलॉजिकली, फ्रॉम एवरी पॉइंट ऑफ व्यू देयर इज अ कंक्लूडिंग एविडेंस, देयर इज समथिंग कॉल्ड SQ व्हिच इज द बेसिस ऑफ बोथ IQ एंड EQ। ये IQ, EQ और SQ तीनों आएगा तब सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास होगा, तब आपको सफलता मिलेगी, लॉन्ग टर्म सक्सेस मिलेगी,
और साथ साथ में सुख और शांति मिलेगा। तो मैं सभी विद्यार्थियों को जो यहाँ बैठे हैं उनको अनुरोध करूंगा ये SQ बढ़ाने का, स्पिरिचुअल क्वोशन बढ़ाने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है स्वामी विवेकानंद की पुस्तकों को पढ़ें, उसको आत्मसात करें। उनके अनुसार जो चार योगों का उन्होंने निर्देशन दिया है, राजयोग, भक्तियोग, ज्ञान योग, कर्मयोग, प्रार्थना, ध्यान, सदग्रंथों का अध्ययन और निस्वार्थ सेवा, ये अपने जीवन में अपना करके आप लोग आगे बढ़ते रहें। ये इसके लिए आपका ऐसा करते रहने से आपका सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास अवश्य होगा, आपके जीवन में सुख शांति सफलता अवश्य आएगी। आज हेमचंद यादव विश्वविद्यालय के इस प्रथम दीक्षांत समारोह में उपाधि धारक छात्रों के जीवन का नया अध्याय प्रारंभ हो रहा है। जीविका उपार्जन हेतु जब आप सब जीवन समर में उतरेंगे तो आप अपने जीवन मूल्यों और संस्कारों को हमेशा याद रखेंगे, ऐसी मेरी अपेक्षा है। असफलताओं और मुसीबतों से लड़कर आप सभी अपने जीवन लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। स्वामी विवेकानंद जी का वाक्य हमेशा याद रखना, उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत, एराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज इट। उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत, आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, यही मैं चाहता हूं। सभी मार्गदर्शकों को ऐसी कामना है, आप सभी को यह इस प्रकार से प्रेरणा मिले इस वाक्य से। अंत में मैं पुनः समस्त स्वर्ण पदक विजेताओं और उपाधि धारकों को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं। आप सभी को मेरा आभार, धन्यवाद।